नमस्कार, स्वागत है आपका क्रिकेट केसरी में। मैं हूं आपके साथ प्रवीण यादव। विराट कोहली क्रिकेट जगत में एक ऐसा नाम है जिस पर हमेशा चर्चा होती रहती है। विराट कोहली रन बनाए तब भी उनकी चर्चा होगी और रन ना बनाए तब भी होगी। हाल ही में विराट कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 71वीं सेंचुरी लगाई, जिसके बाद से उन पर लगातार चर्चा हो रही है। हो भी क्यों ना, ये शतक विराट ने 1021 दिनों बाद बनाया है। विराट के इस शतक को लेकर अब भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर ने एक बड़ा बयान दिया है। उनका मानना है कि अगर विराट की जगह कोई और खिलाड़ी होता तो शायद टीम से बाहर हो चुका होता। आपको बता दें कि विराट पिछले कुछ समय से खराब फॉर्म से जूझ रहे थे और काफ़ी समय से उनके बल्ले से एक भी शतक नहीं बना था, जिसके कारण पिछले कुछ सालों से विराट के ऊपर काफ़ी चर्चा हो रही थी। इस साल विराट ने एशिया कप से पहले एक महीने क्रिकेट से रेस्ट भी लिया और इसके बाद जब वो एशिया कप में आए तो उनका बल्ला शानदार फॉर्म में देखने को मिला। विराट ने एशिया कप में 92 की औसत से 276 रन बनाए, जिसमें एक शतक और दो अर्धशतक शामिल थे। अफगानिस्तान के खिलाफ आखिरी मैच में विराट ने 200 के स्ट्राइक रेट से शानदार शतक लगाया था। लेकिन अब भारत के पूर्व खिलाड़ी गंभीर ने एक बयान दिया है जिसमें उनका मानना है कि विराट की जगह अगर कोई और खिलाड़ी 3 साल तक शतक नहीं बनाता तो शायद वो टीम में नहीं होता। गंभीर ने विराट कोहली के शतक पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी बिना शतक के 3 साल तक सर्वाइव कर पाता। अश्विन, अजिंक्य रहाणे, रोहित शर्मा और केएल राहुल जैसे खिलाड़ियों को ड्रॉप कर दिया जाता। मैं किसी एक शख्स को नहीं जानता हूँ जिसे 3 साल तक शतक नहीं लगाने के बाद ड्रॉप ना किया गया हो। ऐसा केवल विराट कोहली के साथ हुआ है और उन्होंने ये चीज़ अपने दम पर हासिल की है। क्रिकेट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी। धन्यवाद।